सम्मान के साथ में, आदर के साथ में बुलाता हूँ, कृपया हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बार बार मुझे कुलपति कुलपति के रूप में यहाँ पर संबोधित किया गया। मैं आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय ब्रज बिहारी पटेल साहब के समक्ष निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत से नाते हैं आपके साथ में। मुझे नियति ने कुलपति बनाया है, मैं प्रकृति से किसान हूँ। मैं विशुद्ध बिल्कुल देहात का रहने वाला व्यक्ति, मेरे दादाजी मेरे पिताजी किसान, मैं स्वयं किसान, मेरा बेटा किसान, मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। यहाँ पर कुलपति के रूप में आपने आमंत्रित किया, इस बात की भी मुझे थोड़ी सी पीड़ा है कि कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि होता है उसका नंबर जब आता है बोलने के लिए, या तो उसके पास समय नहीं होता या तो श्रोताओं के पास समय नहीं होता। वो प्रतिबद्धता आपकी भी मुझे दिखाई दे रही है और मैं स्वयं से भी अंदर से बेचैन हो रहा हूँ। बेचैन इसलिए हो रहा हूँ कि जब भी किसानों के बीच में जाते हैं तो हम जब तक विश्वविद्यालय के प्रांगण में होते हैं, जब अपने वैज्ञानिकों के साथ में, अपने छात्रों के साथ में मुखातिब होते हैं, अपने दिमाग का काम लेते हैं, और जब किसानों के बीच में आते हैं तो हमारी आवाज दिल से निकलती है, बातें दिल से। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा बहन भावना दीदी जी, मेरे अग्रज श्री ब्रज बिहारी पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रवि गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री विजय गोंडिया जी, के अग्रवाल जी, ब्रजेश अर्जरिया जी, बड़ी उपलब्धि है मित्रों कि सारे किसान भाइयों के बीच में एक नौजवान हमारे बैठे हैं। अगर मंच पर दो अगर हमारे अग्रज बैठे हैं, के अग्रवाल साहब और ब्रज बिहारी पटेल साहब, तो ब्रजेश अर्जरिया जी मेरे छात्र हैं, चार दस्तर लेकर के क्लास में मैंने इनको पढ़ाया हूँ, और आज जो है ये हमारे पूरे संगठन के लिए गौरव का विषय है, जबलपुर के लिए भी गौरव का विषय है। प्रमंडल का सदस्य जो होता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का, बड़ी पावरफुल हस्ती होती है। आज आपके बीच के एक नौजवान हमारे बीच में इस बात को तय करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किसानों की सेवा में किस प्रकार से आगे अग्रसर हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आज इस मंच के माध्यम से और अपने इस पूरे समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रूपेंद्र पटेल जी, श्री रमेश पटेल जी, श्री नंद कुमार परोहा जी, श्री गायकवाड़ जी, श्री धारीवाल जी, श्री डी डी विश्वकर्मा जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री भारद्वाज जी, श्री बालपाणी जी, श्री विजय पटेल जी, श्री अग्रवाल जी, श्री अरविंद पांडे जी, श्री कचोरी जी, और भी तमाम यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। सामने मात्र शक्ति बैठी है, आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मुझे ऐसा लगता था कि काफी लोग आएंगे और निश्चित तौर पर मेरी आशा के अनुरूप यहाँ पर संख्या है। लालसा ये होती है कि हम लोग जो यहाँ पर जो पीड़ा व्यक्त की गई आदरणीय रवि गुप्ता साहब के द्वारा, और अनुसंधान की भी बातचीत की गई कि जितना अनुसंधान हुआ है वो अनुसंधान किसानों के घरों तक नहीं पहुंचा है। इस बात की पीड़ा मैं भी जब वहां पर होता हूं तो मुझको भी इस बात की पीड़ा होती है। कोई किसान जब भी कभी हमारे परिसर में किसान आता है और वो अगर पूछ लेता है कि साहब ये बीज कहाँ मिलेगा या फलाना अधिकारी कहाँ मिलेगा, मैं घंटी बजा के चपरासी को बुलाता हूँ कि ये प्रणाम कीजिए, ये इस देश का भगवान है, इसको वो रास्ता बता कर के आओ। जो भी आता है हमारे विश्वविद्यालय में, कम से कम मेरे वाइस चांसलर बनने के बाद में किसानों को कोई पीड़ा नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर एक तकलीफ हुआ करती थी, जबलपुर के किसान अक्सर बात की शिकायत करते थे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जब आओ, एक जगह पर जाकर के अपना इंडेंट कटवाओ, दूसरे जगह पर जाकर के चालान कटवाओ, और फिर तीसरे जगह पर जाकर के बीज प्राप्त करो। मैंने बोला नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, और आज किसान में एक जगह पर आता है, एक जगह से बीज प्राप्त होता है। साथियों, मैं आज बिल्कुल अनुसंधान की बात नहीं करूंगा, मैं कृषि विश्वविद्यालय की बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ आपको जिस सेवा के लिए आप लोग समर्पित होने के लिए आए हैं, मैं उस किसान से आपका परिचय कराना चाहता हूँ, भारत के किसान से आपका परिचय।
जो सेना आपने संगठित की है उस सेना का क्या दायित्व होना चाहिए, उस सेना का क्या विचार होना चाहिए, उस सेना की क्या कर्मठता होना चाहिए, उस सेना का कितना समर्पण होना चाहिए, उस बात का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। साथियों, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो एक व्यक्ति भी बनाया उसने, एक इंसान बनाया जिसको हम आदमी कहते हैं, है ना। उस इंसान ने बोला, हे प्रभु, मुझको पृथ्वी पर आप अवतरित कर रहे हैं, मेरी जीवन यापन के लिए आपने पानी दे दिया, मेरे जीवन यापन के लिए आपने हवा दे दी, मेरे जीवन यापन के लिए आपने सूर्य को प्रकाशित कर दिया ताकि मैं ऊर्जा प्राप्त कर सकूं, लेकिन प्रभु आपने मुझको एक पेट भी तो दिया है, इसका मैं क्या करूंगा, इसकी कौन चिंता करेगा। पानी आपने दे दिया, सूर्य का प्रकाश आपने दे दिया, हवा आपने दे दी, लेकिन मेरे पेट भी को जीवित रहने के लिए मेरे पेट की चिंता कौन करेगा, मेरी भूख की चिंता कौन करेगा। भगवान ने बोला, तेरे पेट की चिंता एक करेगा जो मेरा ही प्रतिरूप होगा, जिसको लोग धरती पर किसान कहेंगे, तो मेरा प्रतिरूप। तो किसान जो है, आज किसान जो है वो भगवान है। लोग कहते हैं अन्नदाता, लोग कहते हैं भाग्य विधाता, मैं किसान का बेटा, एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट, मैं कहता हूं किसान इस देश का भगवान है, भारत का भगवान है। कैसे, मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज आप लोगों ने अग्रवाल साहब, ये 261 नौजवानों को आपने तैयार किया है, ये सेना आपने तैयार किया है, इनको आपने शिक्षा प्रदान कर दी है, इनका दीक्षांत समारोह होना बाकी है। मेरे नौजवानों, आपका दीक्षांत समारोह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में है। कहता हूं वहां जितनी अट्टालिकाएं हैं, जितने वहां पर स्ट्रक्चर है, जितने भी वहां पर चमचमाती हुई बिल्डिंग आपको मिलेंगी, लेबोरेटरीज आपको मिलेंगी, बड़े अच्छे खेत और खलिहान मिलेंगे, मैं हर किसान के साथ में कहता हूं, मेरे किसान मित्रों, कोई डिंडोरी से, कोई मंडला से, कोई बिछिया से हमारे पास में किसान आता है, ये जो सब चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपके ऊपर उपकार नहीं करते, ये आपके ऊपर उपकार नहीं करते, इनका कर्तव्य है, इनका दायित्व है, इनको वेतन ही सिर्फ इस बात को मिलता है कि किसान की सेवा करें। आपकी सेवा करने के लिए, तो मैं तो सिर्फ इतना आह्वान करना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आइए। हम आपको जिस प्रकार से सेना, याद कीजिए वो 1962 का समय, 1962 में जब चीन के साथ में लड़ाई हुई थी, आज का नौजवान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत की सेना सिर्फ इसलिए हार गई थी कि जो है हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, उस ठंड में पहनने के लिए जूते नहीं थे। क्या आज का नौजवान इस बात को सोच सकता है कि हमारे जिस देश के पास में आज अग्नि मिसाइल है, जिसके पास में आज ब्रह्मोस मिसाइल है, जो आज परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उसके सैनिक इस बात के लिए हार गए थे, उसके पास में पहनने के लिए जूते नहीं थे। और आज अगर ये अग्नि मिसाइल है, आज अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल है, आज देश अगर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो इसके पीछे अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ किसान की शक्ति है। कैसे, कैसे? ये तो मैंने 1962 की बात किया, अब आइए जरा 1965 में। 1965 में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और उन्होंने जो है, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। ध्यान होगा, बहुत सारे बुजुर्ग वालों को, जो मेरे सर जैसे पीले पके हुए बाल वाले लोगों को, उनको याद होगा, तो बाकी ने सुन रखा होगा, क्योंकि जैसे हमारे को कहा गया था यहाँ पर कि जिसका इतिहास नहीं होता उसको कोई याद नहीं करता, भूपेन पटेल जी ने कहे थे। तो अपने इतिहास को जानो मित्रों, 1965 में देश का प्रधानमंत्री जीतता है, सेना लाहौर तक जाती है, ताशकंद में समझौता होता है, शास्त्री जी समझौते के लिए जाते हैं, वापस उनकी लाश इस देश को मिलती है। पूरे विश्व के इतिहास में कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी वार्ता के लिए गया हो और उसके बाद उस देश को वापस उसका शव प्राप्त हुआ हो, है ना। तो क्यों शास्त्री जी, कि जीती हुई जमीन को उसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत लौटाना पड़ रहा है। तो मित्रों, तब क्यों लौटी थी जमीन, क्यों लौटी थी हमारी सेना, हमारे अनाज के गोदाम खाली थे, हमारी देश की जनता का पेट खाली था। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपील करता था, देश में खाने के लिए गेहूं नहीं है, देश में खाने के लिए चावल नहीं है, देश की जनता एक दिन का उपवास रखे। तो मित्रों, गोदाम खाली थे, मित्रों पेट खाली था,
उस समय सिर्फ 50 करोड़ की जनता थी, हम पेट नहीं भर सकते थे। इसलिए अगर देश का गोदाम खाली होता है, देश अगर भूखा होता है, तो प्रधानमंत्री को जीती हुई जमीन लौटाना पड़ता है। और जब देश का पेट भरा हुआ होता है, गोदाम भरी हुई होती है, तो देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं, दो दो बार सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये शासन अगर किसी ने दिया है राजनेताओं को, तो सिर्फ और सिर्फ किसानों ने दिया हुआ है। उस है बातें बहुत लंबी है मित्रों, में तो 1.5-2 घंटे लगातार इस बात की बात कर सकता हूं कि इस देश को अगर परम वैभवशाली बनाया है, अगर विश्व गुरु का सपना देखते हो, तो उस सपने को सिर्फ अगर कोई साकार कर सकता है, तो इस देश की धरती का पुत्र जिसे किसान कहते वही कर सकता है। क्यों? उन्होंने अपील की थी कि जो है देश को एक दिन का उपवास किया जाना चाहिए। तब तक शास्त्री जी चले गए, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी की कैबिनेट में सरदार सरोवर सिंह कृषि मंत्री हुआ करते थे। कृषि मंत्री को 7 देशों की यात्राओं पर भिजाया गया, और जब 7 देशों की यात्रा करके कृषि मंत्री जी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरे, पत्रकारों ने उनको घेर करके पूछा कि कहीं से भीख मिली क्या, तो उन्होंने कहे कि किसी भी देश के कृषि मंत्री को ये दिन न देखना पड़े, कहीं से भी हमको नहीं मिल सका। उसके बाद याद कीजिए वो 65 का दिन, अमेरिका ने हमको लाल गेहूं निर्यात किया था, हमने लाल गेहूं भीख में मांग करके लाए थे, वो वाला गेहूं जिसको उसका घोड़ा भी नहीं खाता था, वो समुद्र में फेंक देता था, उस अमेरिका ने इस भविष्यवाणी के साथ में हमको लाल गेहूं दिया कि आने वाले 1975 तक भारत की आधी आबादी भूख से मर जाएगी। लेकिन इस देश के किसान ने उस चुनौती को स्वीकार किया जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे, जय जवान जय किसान, है ना, जय जवान और जय किसान की चुनौती को किसान ने स्वीकार किया। 75 के आते आते तक हम आत्मनिर्भर हो गए, 85 के आते आते तक हम निर्यात करने लग गए, 95, 96, 97 और 98 के आते आते तक याद कीजिए हमने परमाणु का विस्फोट किए थे पोखरण में 1998 में, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। उसी लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो मित्रों, विज्ञान के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, विज्ञान के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर ये सेना बनी है, इस सेना को सिर्फ और सिर्फ इस बात की चुनौती है कि अगर आप अपने किसान भाइयों को सक्षम बनाना चाहते हैं, भाषणों से कभी किसान मजबूत नहीं हो सकता, संवेदनाओं से किसान मजबूत नहीं हो सकता, घोषणाओं से किसान मजबूत नहीं हो सकता, और सरकार भी हमारे को मजबूत नहीं कर सकती। अगर अपने को मजबूत करना है तो स्वयं अपने को मजबूत होना पड़ेगा। रवि गुप्ता साहब ने कहे अभी यहाँ पर कि आज तक जो है उगाओ उगाओ उगाओ, उत्पादन करो उत्पादन करो उत्पादन करो। और याद कीजिए जब हम 50 करोड़ थे 1965, 1966 और 1967 में, तब भी पेड़ भरा नहीं जा सकता था, और आज 125 करोड़ है, ये पूरे के पूरे 125 करोड़ को सवेरे का नाश्ता भी होता है, दोपहर का खाना भी होता है, और रात का खाना भी होता है, 3 टाइम की हम लोग रोटी देते हैं। एक बात को सुनिश्चित करता है कि पूरे 125 करोड़ की आबादी का पेट भरने का अगर किसी ने पूरा जिम्मेदारी निभाया है, तो ये भारत का वो सपूत है जिसे किसान कहते हैं, उसने पहले अपने कर्तव्य को करके दिखाया है, तब आज अधिकार की मांग करता है, तब आज अधिकार की मांग। मित्रों, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है, याद तो कीजिए, मैं जिसको भगवान ने कहा कि मेरा प्रतिरूप मैं किसान के रूप में धरती पर भेज रहा हूं, आज मैं उस किसान को प्रणाम करने के लिए आया हूं। याद कीजिए मित्रों, इस देश के पास में पूरे विश्व का सिर्फ 4% जमीन है, सिर्फ 4% जमीन है, पूरे विश्व की भारत के पास में सिर्फ 3% की जलराशि है, 4% की जमीन, 3% की जलराशि और 17% की आबादी हमारे पास में, पूरे विश्व की 17% की आबादी का पेट 3 टाइम हम 4% की जमीन और 3% के जल के साथ में करते हैं। इस चमत्कार को पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के किसानों ने ऐसा क्या चमत्कार करके दिखाया है। मैं आज उस चमत्कार को मैं नमस्कार करने के लिए आया हूँ, जिसको हम किसान कहते हैं, उस चमत्कार को मैं नमस्कार करने के लिए आया हूँ। तो एक तो वो भगवान, उसको मैं नमस्कार करने आया हूँ, सलाम करने आया हूँ, और इस चमत्कार को नमस्कार करने आया हूँ। और तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, एक भगवान का बनाया हुआ आदमी होता है जिसको हम इंसान कहते हैं, वो इंसान जब किसी दूसरे इंसान की मदद करता है,
कोई किसी से पैसे से मदद करता है, अरे आप अच्छी इंसानियत है, किसी किसी अंधे को या किसी बूढ़े को रास्ता क्रॉस करा देता है, कहते हैं बहुत अच्छी इंसानियत है। किसी को हम हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, लाभ पहुंचा देते हैं, तो कहते हैं क्या इंसानियत है। और एक किसान है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी व्यक्ति पैदा होगा, जिस दिन वो जन्म लेगा और जिस दिन वो अंतिम सांस लेगा, तब तक किसान उसकी सेवा करने का काम करता है, करता है। तो किसान वो इंसान की इंसानियत है, ये किसान की किसानियत है। इस किसानियत को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ, जो आने वाले लोगों को जीवन का दान देता है। मित्रों, बातें बहुत लंबी है, समय कम है, आज फिर प्रतिबद्धता है, आज 31 जनवरी का दिन है, मेरे कुछ साथी आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनका साथ मुझको देने के लिए वहां पर जाना है। मैं तो आह्वान से इतना करना चाहूंगा कि बातें बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आज खेती के सामने, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जब कभी कोई, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 56 साल की संस्था है, वो शायद इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई गांव का बेटा, कोई किसान का बेटा, कोई इसी विश्वविद्यालय का छात्र जो 24 कैरेट का JNK VV का हो, जिस दिन वो आएगा तब सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड। आज जो है 4-4 अवार्ड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड ICR के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड ISA के द्वारा, और सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड धनुका के द्वारा। ये धनुका कंपनी ने जिस दिन वहां पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड दिया, 140 करोड़ के ऑडिटोरियम में जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति वो अवार्ड लेने के लिए गया था, उन्होंने बुला करके जब मुझको वहां लेकर के गए मीडिया के सामने, तब उन्होंने बोले कि दूसरे विश्वविद्यालयों से आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हमने बोले पातालकोट में हम पहुंच चुके हैं। पातालकोट आप लोग जानते हैं, 13 गांव 2500 फीट के नीचे आदिवासी जो घुटनों तक धोती पहनता है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय वहां तक पहुंच चुका है, और हमने उन आदिवासियों के बच्चों को जींस और टी शर्ट पहनना सिखा दिया। डिंडोरी जैसा जिला हमारे पास में है, 52 गांव जो बैगा चक कहलाते हैं, वो बैगा प्रजाति के हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे दोस्त सिर्फ किसान संगोष्ठी और किसान सम्मेलन में इसलिए आते थे कि उनको पूरी खाने के लिए मिलती थी, क्योंकि वो गेहूं पैदा नहीं करते थे, वो तो कोदो कुटकी और रागी पैदा करते थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने उनको गेहूं उगाना सिखा दिया, उनको पूरी खिलाना सिखा दिया। अब वो बैगा भाई हमारा पूरी खाने के लिए किसान संगोष्ठी का मोहताज नहीं होता है। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, हमारी संस्कार धानी में, इसका ये चमत्कार हमारे बैगा चक और पातालकोट में हो चुका है। और जब APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहे कि मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है, इसमें सिर्फ दिखावट के पौधे नहीं, बल्कि इसमें मेडिसिनल गार्डन होना चाहिए। तो जब औषधीय पौधों की खोज की गई, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के पास 1100 650 प्रजातियां राष्ट्रपति भवन में भिजवाए, और राष्ट्रपति भवन में 650 प्रजातियां मेडिसिनल गार्डन की लगी हुई है, और वहां का हॉर्टिकल्चर का इंचार्ज जो है पूरे NMDC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है, जो पूरे बाढ़ बगीचों का मेंटेनेंस करता है, वो भी इसी जबलपुर के JNKV से पढ़ करके गया है। वो लड़का मुझको मिला, रजनीकांत शर्मा, मैंने कहा राष्ट्रपति भवन में एक तख्ती लगा दे भैया, तो ताकि जबलपुर का हमारा नाम हो जाए, और वो वहां पर वो तख्ती लग गई है। तो तब मैंने उन मीडिया कर्मियों से बोला कि पातालकोट और बैगा चक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसलिए देश में हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बातें बहुत हैं, लेकिन वही मैं कह रहा था कि खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कितनी समस्या है। मैं तो सोचता हूं सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर द्वापर से लेकर के कलयुग तक जितने संत ऋषि मुनि हुए होंगे, वो लोग सब वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही श्राप भी देते हैं, है ना। तो वो सतयुग से लेकर के आज तक के जितने श्रापों को एक साथ संकलित कर दिया जाए और कह दिया जाए बेटा अगले जन्म में तू किसान हो जाना, वो सारे श्राप फलीभूत हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसान के साथ में जब किसानी करने के लिए जाओ, ऐसा लगता है पूरी कायनात किसान के खिलाफ में है। वो छोटा सा जीव जंतु से लेकर के, वो वायरस से लेकर के, वो मौसम से लेकर के, वो धरती से लेकर के आखिरी बाजार तक हमारी प्रतिकूलता हम फेस करते हैं, बाजार भी हमको धोखा दे जाता है, ऐसा लगता है पूरी कायनात हमारे खिलाफ है। लेकिन वर्तमान में
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई चीज है, उन नीति निर्माताओं के सामने भी और उन पॉलिटिशियंस के सामने भी अगर सबसे बड़ी चुनौती है खेती की, तो वो ये है कि किसानों की दूसरी पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जाए। दूसरी पीढ़ी आज खेती करने के लिए आपको नहीं मिलेगी। हुक्मरानों, किसानों की आय को दोगुना करना ये जुमलेबाजी नहीं है, ये राष्ट्र की आवश्यकता है। अगर खेती को आपने आकर्षक नहीं बनाया तो 125 करोड़ थोड़ी रह जाएंगे, पलक झपक के 150 करोड़ और 200 करोड़ हो जाएंगे। तब दूसरी पीढ़ी अगर किसान की नहीं आई तो कहां से पेड़ भरोगे? क्यों? ये खेती हमारे किसानों के सामने चुनौती की, दूसरी पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जाए? क्योंकि खेती में आकर्षण नहीं है, बिल्कुल आकर्षण नहीं है खेती में, क्योंकि बचपन से हमारे समाज ने पढ़ा है इस बात को कि जब जब हमने कोई किताब पलटाई है, जब जब हमने कोई जो पढ़ने की कोशिश की है, तो उस किताब में लिखा रहता था, एक गांव में रहने वाला धनवान सेठ, एक नगर में रहने वाला धनवान सेठ, एक शहर में रहने वाला धनवान सेठ, और उसी के साथ में उल्लेख होता था गांव में रहने वाला एक गरीब किसान, नगर में रहने वाला एक गरीब किसान। मतलब जहां भी आपने उल्लेख किया हो किसान की, गरीबी का उल्लेख करके रखे हो। ये क्या तमाशा है भाई? ये जो है ये हमारे नौजवानों के दिमाग में भर गया है कि खेती का मतलब माथे पे हाथ रखे हैं, माथे के ऊपर में सीना जो है बल पड़े हुए हैं, आकाश सूखा हुआ है, धरती फटी हुई है, बंडी पहने हुए हैं और बरहाल किसान खड़ा हुआ है ना। इस तस्वीर को हमको बदलना पड़ेगा, इस तस्वीर को हमको बदलना पड़ेगा, समाज की मान्यताओं को हमको बदलना पड़ेगा, और वो सिर्फ हम इन नौजवानों के माध्यम से बदल सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आज जो है समाज के अंदर में क्या है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। और उधर भी डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, मिनिस्टर चाहता है कि मेरा बेटा मिनिस्टर बने, लेकिन किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसानी करे। कहता है बेटा मैं तो फंस गया गांव में, तू चार लाइन पढ़ ले और निकल जा, खेती से निकल जा। आज नौजवानों से गांव खाली हो चुके हैं, कोई नौजवान खेती नहीं करना चाहता। कैसे पेड़ भरोगे आने वाली जनता का? क्यों? क्योंकि ये कृषि के सामने हमारे सामने चुनौती है कि दूसरी पीढ़ी कैसे बनाए। लेकिन वही कृषि भी ये चुनौती देती है कि कितनी भी औद्योगिक प्रगति कर लो, कितनी भी औद्योगिक प्रगति कर लो, लेकिन चुनौती देती है खेती एक दाना गेहूं का, एक दाना चावल का, एक दाना दाल का किसी फैक्ट्री में बना करके देख लेना। धरती के शरण में आना पड़ेगा, उसके लिए फिर उसी किसान के शरण में आपको आना पड़ेगा। तो आइए देश के राजनेताओं, आपको चुनौती है, किसानों की आय को दोगुना करो, किसानी को आकर्षण का धंधा बनाओ ताकि नौजवान आकर्षित होकर क्या जाए। और ये मित्रों, मैं तो पुरानी बातें बहुत सारी चीजें आपको छोड़ दिया क्योंकि समय मेरे पास में कम था, वरना कभी इसके बाद फिर कभी मुलाकात होगी, डेढ़ दो घंटे आपके साथ में बैठेंगे, फिर आपके साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चुनौती कृषि की है, कृषि को चुनौती है, कृषि की चुनौती है कि बना करके देख लो। और जो है अंत में यही होगा कि जब 150 और 200 करोड़ की जनता यहाँ पर होगी, गांव गांव में कृषि के वैज्ञानिक लगेंगे, गांव गांव में कृषि के डॉक्टर लगेंगे, गांव गांव में कृषि के इंजीनियर लगेंगे, और तब तब की सरकारें हमारे नौजवानों को कहेंगी कि आओ मेरे नौजवान बेटो, हम लोग जो पहले कहा करते थे उत्तम खेती मध्यम रोजगार अधम चाकरी, ठीक निदान हुआ अधम चाकरी कहां से उत्तम हो गई, और उस उत्तम खेती को तुम अधम बनाने के लिए निकले हो ना। इस राष्ट्र को आवश्यकता है कि फिर से सब लोग आए, संकल्पित हो, उस खेती को हम फिर से उत्तम बनाए। और जो है ये करना पड़ेगा आपको, और फिर क्या होगा, जो थोड़े से पैकेज के लिए मेरा नौजवान मेरे गांव को छोड़कर के शहर की तरफ में जा रहा है, ये शहर भी कब तक इस आबादी के बोझ को सहन करेंगे? तब सरकारों को इस बात पर विचार करना होगा। और मैं शायद हो सकता है आप और हम लोग जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चंद लोग ही इस धरती पर इस पर रह जाए, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वो समय आएगा जब देश की राजनेता, देश की सरकारें कहेंगी कि आओ किसानों के बेटों, मैं हम आपको 30 लाख 40 लाख और 50 लाख का पैकेज देते हैं, कम से कम खेती करना तो शुरू करो। और ये सरकार होगी, मैं समझता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।